नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G मोबाइल है दोस्तों, आप उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो दोस्तों, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए करना है सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर्स का, आपको सिंपली उसे पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, आपको सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड सिस्टम सब, दोस्तों आपको ये वाला टिक भी इनेबल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड माइक्रोफोन सब, दोस्तों आपको ये वाला टिक भी इनेबल कर देना है। टिक इनेबल दोस्तों अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो स्क्रीन टच, दोस्तों आपको ये वाला टिक भी इनेबल कर देना है। अब दोस्तों अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम दोस्तों अपना फेस भी उसमें ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो दोस्तों आपको यह टीवी इनेबल करना है। ठीक, इनेबल करने के बाद तो बैग आते हैं। बैग आने के बाद तो अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करने के लिए क्या करना है, नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरह स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों, रेड वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद में आपको यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन साइड में राइट का देखने को मिलेगा, उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो अपने मोबाइल में इस तरह से दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वीडियो सुनने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेंगे वीडियो में।